स्वामी विवेकानंद ही आपको छू रहे हैं, ऐसा कहते हुए वो इस अमेरिकन वेद उस पुस्तक में लिखता है। उसने बाद में एक स्वामी जी के ऊपर आर्टिकल भी लिखा है 150वीं जयंती के नाते। तो यह पांचवा तत्व। और छठवा जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि फॉरस धर्मा, यानी धर्म जो है ये कोई विश्वास की बात नहीं है, तो यह जीने की बात है, यह अनुभूति करने की बात है, यह अपने जीवन में लाने की बात है। फॉर अस रिलीजन इज नॉट इन बिलीविंग बट इट इज इन रियलाइजिंग, इट इज इन बीइंग एंड बिकमिंग। और इसीलिए मेरा कर्म क्या है, मेरे विचार क्या है। मैं बोलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही होंगे कि विश्व बंधुत्व वगैरह वगैरह, और मेरा जो सहयोगी कार्यकर्ता है उसके साथ ही मैं जा नहीं सकती, ऐसा यदि है तो वो विश्व बंधुत्व का कोई अर्थ नहीं है। यानी मेरे कर्म में, मेरे व्यवहार में वो कितना आया है, वही धर्म है। तो धर्म ये जीने का, जीने की बात है, अनुभूति की है। अपने जो जोड़ने वाले कर्म है, यानी अपने बड़े स्वरूप को ठीक रखने के लिए जो अपना कर्तव्य है वो धर्म है, और वो नित्य रूप से करना है। तो ऐसा यह छह पूरे भारत में कहीं भी जाइए यह यही बात है। जैसे अरुणाचल में बहुत बार मैं जाती हूँ, तो जैसे अरुणाचल की ही दो बातें आपके सामने बताऊंगी। बहुत यानी एकदम इंटीरियर ऐसे क्षेत्र में जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वहां कुछ पूजा हो रही थी। मैंने उनको पूछा कि ये आप किसकी पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये कीने नाने की पूजा है। तो मैंने कहा ये कौन सी देवी है, तो उन्होंने कहा, उनका जवाब देखिए, उन्होंने कहा कि जिसकी आप लक्ष्मी करके पूजा करते हैं उनकी मैं, उनकी हम कीने नाने करके पूजा करते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपके लक्ष्मी जैसी हमारी कीने नाने हैं, यानी फिर भी दोनों अलग हो गए। उन्होंने कहा जिसकी, वो माँ तो एक है, वो जगत जननी एक है, जिसकी आप लक्ष्मी करके पूजा करते हैं हम कीने नाने करके करते हैं। उसी प्रकार एक बार मैं जयरामपुर में एक शिविर रखा था, यानी अरुणाचल के चांगलांग जिले में, और बहुत गांव के सारे लोग आए थे और ऐसी बातें चल रही थी। तो एक ने कहा कि आजकल तो हम बड़े कंफ्यूज हो गए। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले ये क्रिश्चियन धर्म, हिंदी में बात कर रहे थे इसीलिए क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये क्या है, धर्म तो एक ही है। फिर मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा अपने कर्मों को ठीक रखना ये धर्म है। और ये अपने गांव में, आज सारे गांव में इंटीरियर, चाहे अरुणाचल हो चाहे कहीं हो, यानी ये हमें जोड़ने वाले सूत्र है। और इन सूत्रों को लेते हुए हमारा जो सिविलाइजेशनल बेस है उसकी आइडेंटिटी हमारी पक्की होनी है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा था गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। और ये स्वामी जी ने उस समय ही देखा था कि मेकाले शिक्षा के कारण ये जो आज एक वैचारिक भ्रम समाज में पैदा किया जा रहा है कि हम कौन है, इंडिया इज ए नेशन इन मेकिंग, जैसे ये कोई राष्ट्र ही नहीं है, इसकी कोई अधिष्ठानी नहीं रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो यह बहुत सनातन चिर पुरातन ऐसा राष्ट्र है। आज हम देखते हैं जो स्वामी जी ने उस समय किया था, आज अमेरिका में, इंग्लैंड में इसी प्रश्न को लेकर वो लोग चिंतन और चिंता कर रहे हैं। जैसे अमेरिका में जैसे बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उसमें भी ज्यादा ये साउथ अमेरिका से जाते हैं जो कैथोलिक्स है, और जिनको हिस्पैनिक कहते हैं वो स्पैनिश बोलते हैं। अभी स्थिति ऐसी हुई है कि वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी स्पैनिश में लिखना पड़ता है क्योंकि उनको अंग्रेजी आता नहीं है। तो धीरे धीरे अमेरिका की भाषा बदल रही है और इससे अमेरिकन चिंतित हो रहे हैं। और इसीलिए 2004 में सैमुअल हंटिंगटन ने एक पुस्तक लिखा कि हु आर वी, और वो कहता है कि हमें ये डिफाइन करना है, नहीं तो ये सारे लोग आ रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा, ये जो डिविजिव मल्टीकल्चरलिज्म है इससे हमारा राष्ट्र ही टूट जाएगा। तो बेसिकली हम कौन है ये हमें बड़े हिम्मत से समझना होगा, जानना होगा, बोलना होगा। और फिर उसका यानी विद्वान होने के कारण उसने एक अच्छा योगदान जो किया, उसने उस डेफिनेशन का विद्वत्तापूर्ण भाषा में उसने दो शब्द बताए कि हर राष्ट्र का एक सैलियंस होता है,
यानी एक ऐसी आइडेंटिटी जो अपने रीजनल आइडेंटिटी से भी मुख्य हमारे लिए होती है, और दूसरा उसका एक सब्सटेंस होता है जो उस राष्ट्र का मेन आधार, मुख्य आधार होता है। तो वे कहते हैं कि व्हाइट अमेरिकन, एंग्लो सैक्सन व्हाइट अमेरिकन जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, वे इस अमेरिका की पहचान है और वह अमेरिका राष्ट्र है। ये सारे बाकी के आ जाएंगे तो अमेरिका राष्ट्र लुप्त हो जाएगा। यानी आज अमेरिका में भी वो अपने राष्ट्रीयत्व की, अपने राष्ट्र के आधार की परिभाषा करने में जुड़े हुए हैं, और वे कहते हैं जब ये होगा तभी हमारे जीवन मूल्य क्या है। फिर वो उनके अनुसार वो जीवन मूल्य कहते हैं कि द गुड विल बी रिवार्डेड, द बैड विल बी पनिश्ड, और रूल ऑफ लॉ वगैरह वगैरह वो उसमें लिखते हैं। यानी वो भी यही बात कर रहे हैं। या ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर कैमरून करके हैं थे, उन्होंने भी यही बात की, उन्होंने भी यही बताया कि हमारा जो है वो क्रिश्चियन देश है। और जब मैं कहता हूँ कि हम क्रिश्चियन है, इसका मतलब मैं बाकी लोगों को नीचा देख रहा हूँ ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम क्रिश्चियन है ये तो सत्य है, और ये सत्य हमें बताना होगा। यानी आज हमारे राष्ट्र की पहचान क्या है। जब मैं कहती हूँ भारतीय तो मेरे जीवन के मूल्य क्या है। मैं कहती हूँ हाँ मैं इस हिंदू राष्ट्र के अंग हूँ तो मेरे जीवन के मूल्य क्या है, हिंदू का अर्थ क्या है। ये कंफ्यूजन जब तक रहेगा तब तक भारत जिन तत्वों को, जिन दर्शन को लेकर पूरे विश्व को मार्गदर्शन करना है वो कर नहीं पाएगा। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने वही कहा था कि व्हाट आर द यूनिफाइंग प्रिंसिपल्स व्हिच यूनाइट अस, व्हिच कनेक्ट्स अस, एंड दैट इज अवर फिलोसॉफिकल सिविलाइजेशनल बेसिस। तो वह भी हमें डिफाइन करना है। फिर तीसरा जो है, स्वामी विवेकानंद का ऐसा नहीं था जो कुछ लोग समझते भी होंगे, या जब हम ये बात करते हैं कभी भी भारत विश्व कल्याणक है ऐसी बात जब होती है तुरंत उसके बाद पूछने वाले लोग होते हैं तो क्या सारा भारत में ही अच्छा है क्या, हमें दूसरे देशों से कुछ सीखना नहीं है क्या, ऐसी जो बात की जाती है। स्वामी विवेकानंद ने भी कभी ऐसा बोला नहीं था, उन्होंने तो यही कहा था कि हमें हर एक से सीखना है, लेकिन जो सीखना है वो अनुकरण नहीं करना है। वो सीखने के भी दो प्रकार है, उन्होंने कुछ मार्ग अपनाया, उस मार्ग में वो आगे जा पाए या वहां कुछ गड़बड़ी हो गई, वो देख के हमें सीखना है। जैसे कल ही मेरी बात हो रही थी एक घर में, और उन्होंने कहा कि हमने क्यों अमेरिका को बदनाम करना है। मैंने कहा बदनाम की बात नहीं है, लेकिन समझिए आप रास्ते से जा रही है, मैं आपके पीछे चल रही हूँ, और हमें लगता है कि यहाँ तो गड्ढा नहीं है और आपका पाँव उस गड्ढे में चला जाता है। ठीक है, मैं आपके पीछे पीछे आ रही हूँ, रास्ता ऐसा है, और मैंने देखा कि आपका पाँव गड्ढे में चला गया, आपका तो अनजाने में गया, लेकिन मैं आपके पीछे आ रही हूँ और मैं भी उधर ही मेरा पाँव डालूंगी, तो ये तो अनजाने के कारण नहीं होगा, ये तो महामूर्खता के कारण होगा। मैं देख रही हूँ कि उनका पाँव गड्ढे में गया है, फिर भी मैं गड्ढे में डालूंगी। तो आज हमें जब, क्योंकि पश्चिम दिखने के लिए सफलता का एक उदाहरण दिखती है, तो जब हम उनकी तरफ देख के कुछ सीखने का प्रयास करते हैं तो उसके निष्कर्ष क्या हुए हैं, वो क्या परिणाम में जा रहा है, यह देखकर भी हमें सीखने की बात है। जैसे अभी जो विकास की बात हुई, जिसका पुस्तक भी प्रकाशित हुआ है, तो वह भी है यानी विकास की परिभाषा। दूसरा एक जो बहुत महत्व का स्वामी विवेकानंद ने भी जिस पे जोर दिया था कि इस राष्ट्र का जो अवनति हुई उसके कारणों में एक महत्व का कारण था कि महिलाओं की उपेक्षा, उनकी जो सहभागिता है वो कम हो गई। तो इस ये बहुत सारे लोगों को, यानी बहुत सारे देशों में भी उनके ध्यान में आया, नहीं आया ऐसा नहीं, और हर जगह उन्होंने उसके अलग अलग तरीके ढूंढने का प्रयास किया। अमेरिका ने यह प्रयास किया, अमेरिका में स्त्री मुक्ति आंदोलन शुरू हो गया, एक बेटी फ्रेडा करके उन्होंने एक पुस्तक लिखा फेमिनाइन मिस्टिक, और उस पुस्तक में जैसे वो लिखती है कि हर दिन एक भयंकर काम कीजिए। भयंकर काम क्या, तो पतिराज जी को बोलिए कि ग्लास आप ही उठाइए करके, ऐसी शुरुआत, यानी पुस्तक की शुरुआत, पुस्तक में ये सारा आता है। लेकिन क्योंकि ऐसा हो गया था कि स्त्री को उस प्रकार से ही रखा गया था, लेकिन उन्होंने उसका जो इलाज निकाला वो अत्यंत जालिम हो गया। वो ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि स्त्री ने इन तीन बंधनों को तोड़कर आना है, परिवार,
धर्म यानी रिलीजन की वो बात कर रहे हैं, रिलीजन और संस्कृति, इन तीनों को तोड़कर उसने आर्थिक स्वातंत्र्य अपना सामाजिक स्वातंत्र्य प्राप्त करना है, और ऐसा हो गया। वहां स्त्री मुक्ति आंदोलन बड़ा वेग से चला, जिसके कारण स्त्री बाहर तो आई, उसको आर्थिक स्वातंत्र तो मिला, लेकिन धीरे धीरे परिवारों का विघटन हो गया, और फिर बाद में जो युवतियां हैं वो इन फेमिनिस्ट को ही प्रश्न पूछने लगी कि जब आपने ये आंदोलन चलाया, आपका तो ठीक था, आपको तो परिवार था, आपको तो माता पिता थे, आपको तो पति था, बच्चे थे, आज हमारे पास क्या है, हम तो असुरक्षित हो गए, आज हम सिंगल पेरेंट हो गए, हमें बच्चों को देखना है। और धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को ध्यान में आया, इस बेटी फ्रेडान ने ही और एक पुस्तक लिखा काफी बरसों के बाद, और दूसरे पुस्तक का नाम है द सेकंड स्टेज, और उसमें वो लिखती है कि हमने सिर्फ स्त्री मुक्ति की कल्पना की, हम तो सारे यानी स्त्री परिवार से समाज से अलग नहीं की जा सकती, हमने मानव मुक्ति की बात करनी चाहिए थी, और सिर्फ अधिकार जमाते हुए ही मुक्ति नहीं आती है, तो हमें परिवार की भी रक्षा करनी चाहिए थी, तो सेवा प्रेम त्याग इसको भी हमें लेना होगा, हमें मुक्ति की परिभाषा ही बदलनी होगी, हमें स्त्रीत्व की परिभाषा समझनी होगी, और ऐसा करते करते उन्होंने पुस्तक लिखा। लेकिन एक बार जो भोगासुर निर्माण हो गया, जैसे वो अपने कहानियों का होता है ना, वो राक्षस बोतल से बाहर आ गया, अभी फिर से बोतल में डालना बड़ा कठिन है, सिर्फ पुस्तक लिखा, इसीलिए टूटे हुए परिवार एक नहीं हो सकते हैं, और इसीलिए ऐसी कठिनाई में, विघटन की समस्या में आज पश्चिम समाज फंसा हुआ है। तो इसलिए हम इस शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, जब महिलाओं के यानी जब हम पहले इस भारत का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि भारत के पास ही ये तत्व ज्ञान है विश्व कल्याण का, और इसीलिए ये पुनर्निर्माण में हमने पश्चिम का क्या हुआ है ये जरूर देखे, लेकिन हम अपने जीवन दर्शन के आधार पर ही हमें आगे जाना है, इसलिए हम इन शब्दों का उपयोग निश्चित नहीं करेंगे, ना इन विचारों को लेकर आएंगे। आज दूसरी और एक फैशन है जो अपने देश में बहुत इसका उपयोग भी किया जाता है, वह है एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, स्त्रियों का सशक्तिकरण। लेकिन प्रश्न ऐसा है कि स्त्री जो स्वयं शक्ति स्वरूपा है, उसको शक्ति देने वाला दूसरा कौन? वो स्वयं अपनी शक्ति को समझे, वो स्वयं जागरूक हो जाए, तो ये जो बात है इसको भी हमने समझना है, क्योंकि यही देश है जिसने स्त्री की शक्ति के रूप में, जगत जननी के रूप में पूजा की है, जो सप्तशती में भी हम कहते हैं कि विद्या समस्ता सकला जगत्सु स्त्रिया समस्ता तव देवी भेदा, वो जगत जननी स्वरूप है, और ऐसी शक्ति जो स्वयं को समझे, और शक्ति हमेशा दुधारी होती है, वो विनाश भी कर सकती है, वो निर्माण भी कर सकती है, और इसीलिए मैं इस मेरी शक्ति को उसको नियंत्रित कैसे करूं निर्माण कार्य में, ये स्त्री स्वयं समझे, ये स्त्री उसके लिए कार्य करे। जो स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि किसी ने जाके उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि विधवा का विवाह करना चाहिए, विधवा विवाह समाज में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो स्वामी जी ने उनकी तरफ देखा और बोला हैंड्स ऑफ। स्वामी जी बोले हैंड्स ऑफ, नाइदर यू नॉर आई कैन डिसाइड वेदर ए विडो शुड मैरी और नॉट। आज हमने उनके शिक्षा के लिए जो अड़सर बाधा डाले हैं वो दूर कीजिए, और ये स्त्री स्वयं तय करेगी वो करने के लिए वो सक्षम है। ये जो स्वामी विवेकानंद का जो भाषण है, एक्चुअली बाद में कैलिफोर्निया में भी उन्होंने जो भाषण दिया, विमेन ऑफ इंडिया, अत्यंत सुंदर है, जिसमें एक वो कहते हैं कि हमारे देश में हम स्त्री को माँ के रूप में देखते हैं, और सिर्फ देखते ही नहीं है, हमारे यहाँ पद्धति है कि स्त्री को माँ करके ही हम बुलाते हैं, चाहे वो हमसे छोटी क्यों ना हो। और फिर उन्होंने कहा कि जब मैं इस देश में आया और मैंने यहाँ के स्त्री को मदर करके बुलाया, तो देन शी वॉज हॉरिफाइड, शी आस्क्ड मी एम आई लुकिंग सो ओल्ड टू यू। दुर्दैव से आज हमारे देश में भी हम भी इसी भौतिक स्तर पे आ गए हैं। एक युवा शिविर में एक युवा मुझे ये बता रहा था, दीदी आप तो ये बता रही है लेकिन
जब हम किसी को दीदी करके भी बुलाते हैं तो वो कहती है क्या मैं इतनी बड़ी हूँ क्या तुमसे, यानी कहीं ना कहीं मैं वो एक सृजन करने वाली शक्ति, ये अनुभूति आज भारतीय स्त्री की हो रही है क्या? जिस दिन इस देश में वो होने लगेगी, यह भारत विश्व कल्याणक के रूप में निश्चित रूप से प्रतिष्ठित होगा। तो स्वामी विवेकानंद अपने उस भाषण में और एक बात बहुत सुंदर बताते हैं। वे कहते हैं कि क्यों हम स्त्री को माँ के रूप में देखते हैं, क्योंकि माँ इस शब्द को कोई भी गलत वासना का गंध नहीं है, और इसीलिए हम उसको माँ करके पुकारते हैं। स्वामी विवेकानंद ने, चाहे अपनी सर्वसाधारण जनता हो, महिला हो, या वनांचल में काम करने वाले हो, इन सबके प्रति हमने जो उपेक्षा की है, उदासीन रहे हैं, उसी को दूर करना है। यह जो बताया था कि राष्ट्र निर्माण के लिए हमें ये करना होगा, और इसीलिए इस सार्धशती समारोह में भी जो तीन महत्व के आयाम है वो ये है, अस्मिता, ग्रामायण और संवर्धिनी। तो हमें पश्चिम से कुछ सीखने की बातें निश्चित है, कुछ उनके अनुभव से सीखना है, कुछ एक्चुअली भी सीखना है। जैसे उदाहरणार्थ मैं एक घर में थी अमेरिका में, और वहां की लड़की से मेरी बातचीत हो रही थी। मुझे वो उदाहरण इतना अच्छा लगा, इसलिए मैं सब जगह उसको बताती हूँ। और बात करते करते मैंने देखा कि उसके टेबल पे बहुत सारे पुस्तक रखे हैं। तो मैंने उसको कहा, छोटी थी, सातवीं कक्षा में थी, मैंने उसको पूछा कि इतने पुस्तक तुम पढ़ रही? तो वो बोले, हाँ हमारे स्कूल में एक प्रतियोगिता है इसलिए मैं पढ़ रही। मैंने कहा, क्या प्रतियोगिता है? तो बोले, बच्चों ने पुस्तक पढ़ने हैं, 10 महीना समय है, जितने पढ़ सकते हैं उतने पढ़ने हैं, फिर उसकी सूची बनानी है, और हर एक कक्षा की पूरी सूची कंपाइल की जाएगी, और कौन सी कक्षा ने कितने पुस्तक पढ़े इससे निश्चित होगा कि कौन सी कक्षा आगे है, यानी जिससे ज्यादा पढ़ा वो विजेता होगा। तो मैंने कहा, अच्छा तुम्हारे शिक्षकों को पता कैसे चलता है कि तुमने पुस्तक पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? वो बोले, हम लिख के देते हैं। मैंने कहा, आप तो वैसे भी लाइब्रेरी से और 10 नाम लिख के दे सकते हैं, तो आपके पुस्तक ज्यादा हो जाएंगे। तो उसने कहा, हाउ कैन आई डू दैट, इट्स माई ऑनर। और ये जो है ना, ये जो सिविक सेंस है, ये जो एक अनर की संकल्पना है कि हाँ ये काम मुझे करना है, ये मैंने योग्य रीति से करना है, ये अमेरिका की शक्ति है। उस लड़की ने तो ये बता दिया। बाद में मैं सोच रही थी कि क्या हमारे देश की पहचान क्या है, हमारे देश में इसके लिए क्या शब्द है, क्योंकि इस देश के बारे में अभी अभी तक, यानी 18वीं सदी तक, मैक्स मुलर जो इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स आते थे, उनको लेक्चर देता था, और उस लेक्चर का जो संकलन है व्हाट इंडिया कैन टीच अस, उसमें वह कोट करता है कि इस देश में हर कोई जो फॉरेन ट्रेवलर आया है उसने इस देश की सत्यवादिता के बारे में स्तुति की है। इंडियंस कैन टीच अस हाउ टू बी ट्रूथफुल, ऐसा मैक्स मुलर उस समय बताते थे। ऐसा क्या हो गया इन 200 बरस में कि हमने अपनी ये पहचान खो दी, अपने ये जीवन मूल्य खो दिए? आज हमारा काम प्रामाणिकता से करना ये हमारा होता नहीं है। हर काम में झूठ कैसे करना, गलत कैसे करना, यानी किसी को कुछ काम दिया है, मैंने वहां इसे अनेक अनुभव किए। बाद में मैं पूछ रही थी कि अच्छा ये लॉन कटिंग आपने किसी को दिया है तो उस व्यक्ति को बार बार बुलाना पड़ता है क्या? वे बोले, बिल्कुल नहीं, हम बाहर भी चले गए 3 महीना तो भी वो व्यक्ति आके देखता है घास बड़ा हुआ है, वो आके कटिंग करता है। यानी आज जो भी कुछ अमेरिका की ताकत है वो इसके कारण है। तो अपना ये शब्द क्या था? अपना शब्द यही था, धर्म। ये मेरा धर्म है कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगी, ये मेरा धर्म है कि मैं इसका आदर करूंगी, ये मेरा धर्म है कि मैं ये काम इसी प्रकार से करूंगी। ये जो था उस धर्म को ही हमने गवा दिया है। स्वामी विवेकानंद बार बार यही कहते थे, इस राष्ट्र का प्राण, द लाइफ सेंटर ऑफ अवर कंट्री इज अवर रिलीजन, हमारा धर्म है, इस ये धर्म हमारे जीवन में आना है। भारत विश्व कल्याणक है, ये तो सत्य ही है, क्योंकि इसी के लिए इसका जन्म हुआ है, इसका जीवन दर्शन ही यही है। लेकिन आज उसके अनुकूल हमें बनना है, वो हमारे जीवन में आना है, और इसीलिए जो सबसे महत्व का बिंदु हो जाता है कि ये जीवन दर्शन, ये जीवन मूल्य हमारे जीवन में आए। जो स्वामी विवेकानंद बार बार बताते थे कि
यानी उनको जब जोसेफाइन मैकलियर ने पूछा कि हम आपके लिए क्या करें, उन्होंने कहा लव इंडिया एज शी इज। फिर स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हाँ मैं जानता हूं कि यह भारतीय समाज आज अवनत है, स्वार्थी हो गया है, झगड़ालू है, दरिद्र है, अज्ञानी है, क्या फिर भी आप इसके ऊपर प्रेम कर सकते हो? यदि आप इसके ऊपर प्रेम कर सकते हो तभी यह राष्ट्र फिर से जगेगा, जीवंत होगा। और ऐसा एक अद्भुत प्रेम इस समाज इस राष्ट्र के लिए, और प्रेम जो है वो सिर्फ शब्दों में नहीं होता है तो वो कृति में प्रकटित होता है। यानी मैं मेरे राष्ट्र के लिए कितने समय ऊर्जा धन लगा रही हूँ और इसी में वह प्रकटित होता है, नहीं तो प्रेम ये शब्द निरर्थक हो जाएगा। तो ऐसा प्रेम स्वामी विवेकानंद चाहते थे, और ऐसा करते हुए उसके लिए एक उदाहरण भी देते थे कि जापान में ऐसी प्रथा है, वो कहते हैं कि जापान की लड़कियां ऐसा विश्वास करती है कि जो गुड़िया होती है उस गुड़िया के ऊपर बहुत मन से प्रेम करो तो वो गुड़िया जीवंत हो जाती है। जैसे अपनी शालिवाहन की यही कहानी है ना कि उसके सारे मिट्टी के सैनिक थे लेकिन वो सारे प्राणवान हो गए। इस समाज के ऊपर इस राष्ट्र के ऊपर प्रेम करते हुए हमें इसके जो सारे तात्विक आधार है और अपनी आज जो व्यवस्थाएं है वो काल के लिए अनुकूल अपने जीवन दर्शन को प्रकटित करने वाली है या नहीं, ये देखते हुए ये पुनर्निर्माण का कार्य हमें करना है। क्योंकि ये भारत विश्व कल्याणक है ही, लेकिन वह कार्य भी वो करे इस दृष्टि से हम अपने राष्ट्र के लिए कार्य करें। इतना कहते हुए मैं समाप्त करती हूँ। अब मैं सुनील भाई शाह को विनती करूंगा कि वो निवेदा जी को एक स्मृति चिन्ह अर्पण करें। समारोह सत्र में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। समारोह सत्र में सौ प्रथम आभार दर्शन थशे, त्यार बाद स्मृति ग्रंथनु विमोचन थशे, प्रवचन माननीय मोहनरावजी भागवत द्वारा समापन मार्गदर्शन प्राप्त थशे, अने ते पछी वंदे मातरम थशे। वंदे मातरम दरमियान आप स्थान पर उभा रहीने एनु अभिवादन करीशु अने त्यार बाद अहींथी रजा लईशु। हूँ डॉक्टर कमलेशभाई उपाध्याय, उपाध्यक्ष स्वामी विवेकानंद शारदसती समारोह समिति तथा श्री दिवांग आचार्य प्रांत मंत्री भारतीय विचार मंच ने विनंती करूँ छू कि मान्यवर मोहनरावजी भागवत ने साथे मंच पर स्थान ग्रहण करे। मान्यवर मोहनरावजी भागवत परिचय थी ऊपर छे, परंतु आजे मात्र टूंकमा परिचय। महाराष्ट्रना चंद्रपुरना स्वयंसेवक परिवार त्रण पेढ़ीओथी संघ साथे जोड़ायेलो छे। आप पशु चिकित्सकनी शिक्षा पूर्ण कर्या बाद 1975 थी संघना प्रचारक बन्या छो। नगर प्रचारक थी लईने सेवा सुधीनी तमाम अने विविध जवाबदारीओ वहन करता करता वर्तमानमां संघना सरसंचालकना रूपमां लाखो देशभक्तो तथा देशभक्तिना उपक्रमोने प्रेरणा आपी रह्या छो। आपनो अमारी साथेनो બે દિવસનો નિવાસ અમારા માટે ગૌરવનો વિષય બની રહ્યો છે। હું ભારતીય વિચાર મંચના ઉપાધ્યક્ષ શ્રી સુનિલભાઈ શાહને વિનંતી કરીશ કે આભાર દર્શન કરશે। આ સેમિનારમાં બે દિવસ ઉપસ્થિત રહ્યા અને માર્ગદર્શન આપ્યું તે બદલ તમામ વક્તાઓનો ભારતીય વિચાર મંચ આભાર માને છે। વિશેષ ઉલ્લેખ એટલે સુશ્રી નિવેદાજી ભીડે કે જેમણે કીનોટ એડ્રેસ કર્યું, વિશેષ ઉલ્લેખ માન્ય મુરલી મનોહરજી જોશી જે પાર્લામેન્ટ તથા જેપીસીમાંથી ખૂબ વ્યસ્ત હોય છે એમાંથી એમણે સમય કાઢ્યો, વિશેષ ઉલ્લેખ માન્ય મોહનરાવજી ભાગવત જેમનો પરિચય અપાયો, ખાસ એમનો આભાર માનીએ છીએ। બીજો આભાર એટલે બંને દિવસ સેમિનાર માટે સ્થાન પૂરું પાડનાર, હોલ તથા પોતાનું કેમ્પસ પૂરું પાડનાર શ્રી દેવાંગભાઈ નાણાવટી GLS કેમ્પસ તથા પ્રકાશ હાઈસ્કૂલ કેમ્પસ શ્રી હેમંતભાઈ શાહ તથા શ્રી મૃગેનભાઈ શાહનો હું આભાર માનું છું। આ બંને સંસ્થાના કર્મચારીઓ પણ ખડે પગે રહીને અમારી સેવા કરી છે, એમની પણ આ તબક્કે હું નોંધ લઉં છું।
શ્રોતાગણ વગર કોઈ કાર્યક્રમ શક્ય નથી. 30-31 માર્ચ આ કાર્યક્રમનો વિચાર 6-1 મહિના પહેલાં થયો હતો. 30-31 માર્ચ એન્ડિંગ લોકો આવશે કે કેમ એવો છુપો ભય અમારા મનમાં હતો, પરંતુ આપ સૌ ડેલિગેટ્સ 2 દિવસ પૂર્ણ ઉપસ્થિત રહ્યા, સેમિનારને લાઈવ બનાવ્યો, પાર્ટિસિપેટ કર્યું, પ્રશ્નોત્તરી કરી, એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ આભાર. સ્થાન મર્યાદાના કારણે ગઈકાલે કેટલાક ડેલિગેટ્સ મિત્રોને હોલ નંબર 2માં માત્ર સ્ક્રીન ઉપર આ સેમિનાર કરવો પડ્યો હતો. એમણે શાંતિપૂર્ણ આ સેમિનાર સાંભળ્યો ગઈકાલે, એ બદલ એમનો ખાસ ઉલ્લેખ કરું છું. આપ સૌ શ્રોતાગણ એ વિચારના વાહક છો, એકેડેમિશિયન છો, આપની પાસે એટલી અપેક્ષા કે આ 2 દિવસના સેમિનારમાં સ્વામીજીના વિચારો અંગે આપ શ્રીએ જે કંઈ જાણ્યું સાંભળ્યું એને આગળ વહન કરશો અને વિશ્વ કલ્યાણક ભારત એ દિશામાં 1 ડગલું 2 ડગલું આગળ વધવાનો સહયોગ કરશો. ભારતીય વિચાર મંચ ગત 20 કરતાં પણ વધુ વર્ષથી ગુજરાત કક્ષાએ વૈચારિક કાર્યમાં વ્યસ્ત સામાજિક સંગઠન છે. વૈચારિક આદાન પ્રદાન અને સંવાદ તથા સતત ચાલતો પ્રામાણિક વૈચારિક વિમર્શ એ ભારતીય પ્રજ્ઞાની અને પ્રજ્ઞાવંતોની વિશેષતા છે. વૈચારિક મતભેદોને આવકારી મતૈક્ય સાધવાનો, પોતાને અભિપ્રેત સત્યો અને અભિપ્રાયોની પ્રસ્થાપના અથવા સ્વીકૃતિ કરાવવાનો હિન્દુ રાજમાર્ગ શસ્ત્રશક્તિ નહીં પરંતુ પ્રામાણિક શાસ્ત્રાર્થનો છે. ભારતીય વિચાર મંચ પણ મહાજનોના પગલે ચાલી આવા પ્રામાણિક બૌદ્ધિક શાસ્ત્રાર્થ માટેનો મંચ પૂરું પાડવા પ્રતિબદ્ધ છે અને માને છે કે આજના વૈચારિક દ્રષ્ટિથી સંકુચિત અને અસહિષ્ણુ વાતાવરણમાં આવો પ્રયાસ અત્યંત આવશ્યક છે અને તે આવશ્યકની પૂર્તિ માટે સેમિનાર્સ, વિચારગોષ્ઠીઓ, વિવિધ વિષયો પરની વ્યાખ્યાનમાળાઓ અને સાહિત્ય નિર્મિત જેવા અનેક ઉપક્રમોનું આયોજન કરી રહ્યો છે. વિચાર મંચના અત્યાર સુધીના તમામ ઉપક્રમો સમાજના સહકારથી જ શક્ય બન્યા છે. ભવિષ્યના ઉપક્રમો અને પ્રસ્તુત સેમિનારના વિચાર કરતી વખતે ભૌગોલિક અને કાર્યકર્તાઓની વૃદ્ધિને ધ્યાનમાં લઈ છેવાડાના વ્યક્તિ સુધી અને ત્યાંથી લઈને ઉદ્યોગપતિ સુધી સમાજના દરેક વર્ગ સુધી વિચાર મંચના આ કાર્યના સંદેશને તથા સ્વામી વિવેકાનંદના સંદેશને લઈ જવું અને આ રાષ્ટ્રીય કાર્યમાં સૌનો સહકાર પ્રાપ્ત કરવો વિચાર મંચના આ ઉદ્દેશને અપેક્ષાથી વધુ પ્રતિસાદ મળ્યો અને કાર્યકર્તાઓની અથાગ મહેનતથી આજે પૂર્ણ પણ થયો. આજના આ પ્રસંગે યુગ પુરુષ સ્વામી વિવેકાનંદની 150મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે આયોજિત રાષ્ટ્રીય સેમિનારના શુભ અને આનંદપુર પ્રસંગે આજ પ્રસંગ નિમિત્તે નિર્માણ થયેલ સ્મૃતિ ગ્રંથ યુગ પુરુષનું તે જ ત્યાગમય પરંપરાના વાહક રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવકના સરસંચાલક માન્યવર શ્રી મોહન રાવજીના વરદ હસ્તે થઈ રહેલું લોકાર્પણ એ મણિકાંચન યોગ છે. હું માન્યવર મોહન રાવજી ભાગવતને વિનંતી કરીશ કે સ્મૃતિ ગ્રંથનું વિમોચન કરે, લોકાર્પણ કરે. હવે હું માન્યવર મોહનરાવજીને વિનંતી કરીશ કે સમાપન માર્ગદર્શન આપે આપણે સૌને. મંચસ્થ તથા મંચ કે નીચે ભી શ્રોતૃવૃંદ મેં બેઠે હુએ સભી માન્યવર એવં ઇસ પરિસંવાદ મેં ઉપસ્થિત યુવા શક્તિ માતા ભગિની, इस परिसंवाद को सुना है, यहां बैठे हुए सभी ने सुना है. स्वामी विवेकानंद और विश्व कल्याणक भारत की निर्मिति, इन दो विषयों के संबंध में अनेक विद्वान वक्ताओं में विभिन्न पहलुओं के आधार पर चर्चा हुई, आपके सामने हुई, आपने सुनी, आपने प्रश्न किए, उन्होंने उत्तर दिए.
इस सारी वक्तृता से उन्होंने अपना योगदान किया, आपने प्रश्न करके अथवा शांत रहकर भक्ति भाव से सुनकर भी अपना योगदान किया है। अब इसके समापन में क्या कहना, ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि लगभग इस विषय के जितने सारे पहलू हो सकते हैं सब अपनी चर्चा में आ गए हैं। तो कुछ दो दिन में जो हुआ उसको जैसा मैंने समझा वैसा सारांश रूप में आपके सामने रखना, और कहीं कहीं मेरी भी टिप्पणी उसमें अगर करने की मेरी इच्छा है तो उसको साथ में जोड़ना, इतना ही मेरा बाकी काम बचा है। स्वामी विवेकानंद और विश्व कल्याणक भारत, एक तो हम लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जो समय था, जिस समय वो हो गए, उस समय विश्व कल्याणक भारत ये कल्पना करना भी असंभव बात थी, और कोई कल्पना करता, करने वाले लोग थे, फिर भी स्वयं स्वामी जी ने की थी। लेकिन अगर बौद्धिक संवाद में उसको एक मूल्यांकन के नाते इस कल्पना को उतारते कि ये है, इसकी चर्चा करो, क्या संभव है, तो उस समय लोग साफ कहते कि ये क्या कहाँ की बात लाई आपने, विश्व कल्याण भारत, सारा विश्व मिलकर भारत का कल्याण करे ऐसी प्रार्थना हम कर रहे हैं और आप उल्टा कह रहे हैं, ऐसे वो दिन थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज ये कल्पना हम कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम बौद्धिक परिसंवाद में कर सकते हैं, और यहां पर जो बातें कही जाती है उसमें से कई बातें विश्व के संवाद में आज पहले से स्थापित हो चुकी है, ये दृश्य हम देख सकते हैं। और इस परिस्थिति के पीछे कौन है, ये परिवर्तन क्यों आया, ऐसी अगर खोज हम करेंगे तो तरह तरह की कार्यधाराओं में से, तरह तरह के व्यक्तित्व के और कर्तृत्व के मार्ग से हम अंततोगत्वा जहां पहुंचेंगे वहां कहीं पर स्वामी विवेकानंद जरूर मौजूद मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद के सार्थक जन्म शती को हम क्यों कर रहे हैं, कई वक्ताओं ने कहा कि ये क्या दो दिन उनके विचारों पर चर्चा करने से क्या होगा, वो इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया, हमारे जीवन में कुछ आना चाहिए। स्वामी जी ने जो किया है वो हमारे लिए गौरव का विषय है, और इतना गौरव है कि आज भी उसको स्मरण करते हैं तो हमारा सीना उस गौरव के सारे और भाव से भर जाता है, आज भी उसकी चर्चा करना अच्छा लगता है, ये तो है ही। लेकिन व्यक्तिशः हम सब लोग, विशेषकर आज की तरुण पीढ़ी, जब विचार करती है कि जीवन में मुझे आगे क्या करना है, इसके लिए मुझे कोई रोल मॉडल चाहिए, तो तर्क की कसौटी पर, अनुभव की कसौटी पर, हृदय के भाव की साक्षी के कसौटी पर खरा उतरने वाला और सब जगह अविवदित ऐसा क्या है, ऐसा स्वामी जी का विचार है। और इसलिए भी बाकी किसी की, किसी विचारधन की चर्चा हम करते हैं, किसी विषय की चर्चा करते हैं, उसमें कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, कुछ लोग बाकी लोग भी उसमें न जाए ऐसा प्रयास करते हैं, जैसे उसमें जाए ऐसा प्रयास करने वाले लोग होते हैं, वैसा उसमें लोग न जाए ऐसा प्रयास करने वाले भी होते, ये सब जगह होता है। लेकिन एक ये विषय ऐसा है कि यहाँ पर ये मैं नहीं कहता कि किसी की इच्छा नहीं होगी कि स्वामी विवेकानंद के बारे में चर्चा में लोग न जाए, ऐसी इच्छा रखने वाले लोग कुछ मात्रा में तो हर समय विद्यमान रही ही है, उनका समूल नष्ट होना है, इन्हें प्रलय का नजदीक आना है, किसी भी एक तरफ अच्छाई या बुराई की तरफ दुनिया जाती है तब प्रलय होता है, तो ये संतुलित अवस्था में चलती है, तब कुछ लोग जैसे रहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को जीवन में उतार कर जीवंत रखते हैं, वैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि स्वामी विवेकानंद को भूला जाए इसका प्रयास करते रहते हैं, उनको भी ये सारे प्रयास बहुत चोरी से करने पड़ते हैं, प्रकट रूप से वो ही कर नहीं सकते।
ऐसा उनका व्यक्तित्व है, ऐसा उनका कर्तृत्व है, ऐसे उनके विचार है। और इसलिए अपने जीवन में स्वामी जी के विचार एक प्रकाश लाते हैं, अपने जीवन को अधिक उन्नत, अधिक उपयोगी, अधिक कल्याणकारी और अधिक अपने को अंदर से सुख देने वाला जीवन बनाते हैं। केवल लोगों को जीवन अच्छा लगता है ऐसा नहीं है, स्वयं अंदर एक शांति की, समाधान की अनुभूति करते हैं कि हाँ भाई, कल अगर भगवान है और मुझे मिल गया जीवन के अंत में और पूछेगा कि इतने साल जियो हो क्या किया, तो बताने के लिए मेरे पास है, ऐसा जीवन अपना बनता है। लेकिन मात्र इतनी बात नहीं, भारतवर्ष के लिए भी स्वामी जी का विचार एक नया प्रकाश दे गए। प्रकाश पुराना ही था, नए स्वरूप में दे गए, युगानुकूल रूप में उसको दे गए। और सारी दुनिया भी ये मानती है कि स्वामी जी के विचारों ने दुनिया की सोचने की दिशा में एक आमूलाग्र बदल ला छोड़ा। इसलिए हम विचार करते हैं, स्वामी जी के जन्म के 150 साल बाद भी रोज दुनिया बदलती है, ऐसी गतिमान दुनिया में उन 150 साल पूर्व के विचारों